आशुतोष, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन सरकार एक बार फिर रोल बैक भी करती दिखाई दे रही है। दो हेडलाइन दिख रही है यहां पर राकेश आपको इस खबर में। हाँ देखिए, रोल बैक भी कह सकते हैं और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इस जो यूपीएस ला के सरकार, हिमाचल चुनाव के टाइम पे याद होगा कि हम आप रहते थे चर्चा में, और हिमाचल चुनाव के समय पर कांग्रेस का एक सूत्री एजेंडा था कि हम पुरानी पेंशन योजना स्कीम को लागू करेंगे, लेकिन जब सरकार बनी तो उसके बाद उसके ऊपर 5,500 करोड़ का अतिरिक्त भार आया और उसके चलते राज्य सरकार उस ओर कदम उठाने से ठिठकती रही। तो मुझे लगता है ये जो नई स्कीम आई है, इस स्कीम से जो पहले बैकफुट पे थी केंद्र सरकार, वो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकारों को बैकफुट पे लाने का प्रयास भी कर रही है। और यहाँ पर 23 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हम राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मिला लें, 90 लाख कर्मचारियों की तादाद हो जाती है। तो जिस पेंशन स्कीम को लेकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पंकज विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा था, उस तलवार को कुंद कर दिया है क्या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर सरकार ने? नहीं, उस तलवार को कुंद नहीं किया है, बल्कि वो तलवार तो अब और तेज हो गई है। विपक्ष को इसका श्रेय मिलेगा कि विपक्ष के दबाव में सरकार को घुमा फिराकर, चाहे उसको वो नाम कुछ भी दे दें, एक पेंशन स्कीम लानी पड़ी। आप देखिए कि कितने दबाव से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार इन चुनावों के बाद गुजर रही है। ये उसका एक बड़ा भारी उसकी एक मिसाल है कि अभी आपको अगर 303 सीटें होती तो क्या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम इस तरह से आती? लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बार चूंकि 161 प्लस 79 सीटें यानी 240 सीटें आई हैं, इसलिए एक भारी दबाव का सामना इस सरकार को करना पड़ रहा है। दबाव राज्य सरकारों पर भी आ जाएगा, अब यूपीएस पर जाना पड़ेगा। इसका दूसरा पक्ष ये है कि पीएफआरडीए वो लगातार कह रहा था भाई वो पैसे तो हम राज्य सरकार को दे नहीं सकते जब हिमाचल ने या राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना लागू की थी, पर अब सरकार जो यूपीएस लेकर आई है, राज्य सरकारों को भी तो अब यही अपनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो राज्यों में भी, ज्यादातर राज्यों में इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ही तो समस्या सामने आने वाली है। जिस तरह की भी समस्याएं आर्थिक सामने आएंगी, पेंशन के लिए इतने धन का इंतजाम कहां से करेंगे, क्या करेंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो आपने बात की, सौरभ मालवीय, आई हैव टोटली रन आउट ऑफ टाइम और मैं माफी भी चाहूंगा, पर खबर इतनी बड़ी आ गई थी। पर आपकी प्रतिक्रिया, सरकार लगातार बीजेपी कह रही थी अरे भाई पैसे पेड़ पर थोड़ा उगते हैं, इतने पैसे हम कहां से लेकर आए हैं, तो अब पैसे कहां से आ जाएंगे? और कर्मचारी को योगदान खुद करने की जरूरत नहीं, सरकार ही अब 18.5% अपनी तरफ से कर देगी, यानी कि पैसे तो थे। संदीप जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को, लाखों करोड़ों दर्शकों को साधुवाद इस चीज के लिए कि केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी फैसला की और जो कर्मचारी हित में फैसला हुआ, इसलिए मोदी सरकार को भी शुभकामनाएं और बधाई कि इतने सुंदर और शानदार निर्णय। बड़ा फैसला ये तो पहले से था, 50% मिलती थी आपकी लास्ट बेसिक की, पहले कानून पलट दो फिर वही पुरानी चीज ले आओ और कहो ताली बजाओ। नहीं नहीं, ये आपका प्रोडक्शन है, आपका आपका आपकी ये भूमिका है सर। ये दुनिया भर के देशों में, आपके रिपोर्टर अभी बता भी रहे थे अंकित गुप्ता, कि दुनिया भर में कैसे राज्य सरकार के, वहां की सरकारें कर्मचारियों के लिए करती है, वो एक विशेष अध्ययन के बाद इस तरह की स्कीम लाएगी। तो मतलब वो विशेष अध्ययन एनपीएस को लेकर नहीं किया गया था। कल आपको मैं न्योता देने वाला हूँ प्रोफेसर सौरभ मालवीय, इस पर हम एक लंबी विस्तार से चर्चा करेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।